हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन नोइंग आर्स नंबर ठीक है बहुत ही अच्छा चैप्टर है इंटरेस्टिंग सा चैप्टर इसको स्टार्ट करते हैं आई होप वन पॉइंट वन आपको ऑलरेडी क्लियर होगी बिकॉज ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हम स्टार्ट ये आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया वन का हम स्टार्ट करते हैं वन से जो कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की नीड है ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर वन से बुक में भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी यहाँ पे भी मैंने वैसे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाई हुई है साथ ही साथ आपको यहाँ पे सोल्यूशनस भी मिलेंगे एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे उसने बोला एक बुक एग्जीबिशन हेल्ड हुई है स्कूल में ठीक है चार दिनों के लिए वो लगी एंड जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई थी काउंटर पर पहले दिन सोल्ड हुई वन सेकेंड डे इट वॉज वन एट वन टू थर्ड डे हुई टू जीरो फाइव जीरो एंड फाइनल डे जो था तब हुई टू सेवन फाइव वन ठीक है अब आपको टोटल नंबर ऑफ़ टिकट निकालनी है जो चारों दिनों में सोल्ड हुई है बहुत ईजी है बच्चों वाला काम है आपने सबसे पहले क्या लिखा नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे अब आपको टोटल टिकट्स निकालनी है तो ये तो नॉर्मल बात है कि आप सभी को क्या करोगे एड ऑन करोगे जो आपने एड ऑन कर लिया है सेवन जीरो सेवन सेवन जीरो सेवन इज ऐ रिक्वायर्ड आंसर ठीक है जस्ट आपने ऐड किया चारों के चारों नंबर्स को देन सेकेंड देखो शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है ही हैज़ सो फार स्कोर सिक्स नाइन एट जीरो रन इन द टेस्ट मैच तो उसने टेस्ट मैच में स्कोर करा सिक्स नाइन एट जीरो अब वो विश कर रहा है कि वो टेन थाउजेंड रन को कम्प्लीट कर ले तो उसको कितने और रन चाहिए ये भी नॉर्मल है क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे मान लो मैंने आपको टू हंड्रेड रुपीज़ दिए हंड्रेड रुपीज़ मैंने आपसे वापस ले लिए अब आपके पास बचे कितने तो आप टू हंड्रेड में से हंड्रेड को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे यू विल गेट हंड्रेड वैसे ही जितने रन उसने अचीव करे चा, चाहता है वो अचीव करे दैट इज टेन थाउजेंड ठीक है जितने उसने स्कोर करे वो कितना सिक्स नाइन एट जीरो दोनों को आपने माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया थ्री जीरो टू जीरो ठीक है नेक्स्ट हम पे चलते हैं उसने बोला इलेक्शन जो है उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रजिस्टर करा दैट वॉज फाइव डबल सेवन फाइव डबल जीरो वोट्स के साथ एंड हिज ओके okay, अब उसके जो सात वाला था उसने स्कोर करा थ्री फोर एट सेवन डबल जीरो वोट्स एक को वोट मिली फाइव डबल सेवन फाइव डबल जीरो ठीक है दूसरे को वोट मिली थ्री फोर एट सेवन डबल जीरो अब आपने ये बताना है कि जो भी विनर होगा वो कितने मार्जिन से जीता है ये भी क्या किया जस्ट माइनस कर दिया आपने ठीक है तो सबसे पहले जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसमें से आपने जो उसका नियरेस्ट था उसको माइनस करा और वो कितनी वोट से जीता है वो आपने माइनस करके आपको पता लग गया ठीक है नेक्स्ट साम पे चलते हैं उसने बोला है की बुक स्टोर सोल्ड uh, बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ टू एट फाइव एट नाइन वन ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ जून में उसने इतनी ज़्यादा जो बुक्स थी वो बेची अब एंड द बुक्स वर्थ फोर डबल जीरो सेवन सिक्स एट सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में उसने बेची हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक्स टूगैदर अब मैं अगर दो वीक्स को टुगेदर कर दूं तो कितना उसका सेल होगा इन विच वीक वाज द ग्रेटेस्ट सेल एंड बाय हाउ मच एंड कॉल्स कौन सा वीक ऐसा था जब उसकी सेल जो थी बहुत ज्यादा हुई और कितनी ज्यादा हुई वो आपको बताना है तो उसको ध्यान से समझना है बिकॉज इसमें दो चीजें यहाँ पे यूज होगी फर्स्ट देखो बुस सोल्ड इन द फर्स्ट वीक पहले वीक में उसने जो बुक्स सोल्ड करी दैट वॉज टू ठीक है जी सबसे नीचे ये सोल्यूशन है फोर्थ वाला वो मैं बता रही हूँ आपको मैं यहाँ पे किसी मार्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसका रीज़न ये है कि फिर मेरा टाइम या मेरी जो आप कह सकते हो ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी उसके ऊपर उसको इरेज़ करना, करना है उसको यूज़ करना है सो बेटर है जस्ट मैं ऑडियो जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना है आपको ठीक है बुक्स जो तो उसने सोल्ड करी थी पहले वीक में वो कितनी थी टू एट फाइव एट नाइन वन जो उसने सोल्ड करी थी सेकेंड वीक में वो थी फोर डबल ज़ीरो सेवन सिक्स एट ठीक है टोटल बुक कितनी हो गई आपकी दोनों को आपने ऐड कर दिया यू विल गेट सिक्स एट सिक्स सिक्स फाइव नाइन ठीक है अब उसने और क्या पूछा हमें उसने हमें ये पूछा हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट टू वीक टुगेदर हमने प्लस करके निकाल लिया देन उसने पूछा इन विच वीक तो सेल थी सबसे ज्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी तो ये क्या करोगे आप बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक ठीक है उसमें से आप बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे अगर उसने बोला कि टोटल कितनी थी तो हमने दोनों वीक्स को एड ऑन कर दिया उसने बोला कि कितने वीक में बुक जो थी सेकेंड वीक से ज़्यादा बिकी तो उसमें से हमने दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया ठीक है ना

ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर जो बनेगा सिक्स टू सेवन फोर थ्री सी नॉर्मल सी बात है हम सबसे पहले वाला बड़ा वाला नंबर लिखेंगे दैट इज सेवन उसके बाद छोटा वाला सिक्स उसके बाद फोर उसके बाद थ्री एंड लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है टू उसके बाद हमने इसी का ही क्या कर दो रिवर्स कर दिया हमने तो वो आपका क्या बन गया सबसे छोटा नंबर बन गया जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका रिवर्स कर दो निकाला आपने, उसी ग्रेटेस्ट नंबर को आपने आप कह सकते हो रोटेट कर दिया तो आपके पास जो नंबर आया दैट इज स्मेस्ट नंबर दोनों को आपने माइनस कर दिया अब हम चलते हैं उसने बोला है मशीन ऑन एवरेज मैनुफेक्चर टू ए टू फाइव डे। हाउ मनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड सिक्स एक मशीन है एवरेज वो मैनुफेक्चर करती है टू ए टू फाइव अ डे। ठीक है एवरेज उसका इतना है आपको बताना है कि मंथ ऑफ यू नो जनवरी टू थाउजेंड सिक्स में ठीक है उसने कितने ज़्यादा स्क्रूज को प्रोड्यूस किया होगा अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सबको सॉल्व नहीं कर पाओगे अब आपको अगर नहीं पता कि जनवरी में थर्टी वन डेज़ हैं तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे ठीक है और ऊपर से उसने बोल दिया टू थाउजेंड सिक्स फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा यू you नो know, आपका ये ईयर चल रहा है एंड ऑल दैट स्टाफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर यहाँ पे फेब आता तो आपको देखना पड़ता है कि कहीं लीप ईयर तो नहीं है वैसे आपका सिक्स क्लास इतना टफ आता नहीं है तो जनवरी है तो उसमें थर्टी वन डेज होते हैं ठीक है थीके? तो आपने थर्टी वन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो आपको नंबर ऑफ स्क्रीय दिए थे एक दिन में वो बना रहा two है टू एट टू फाइव एंड अगर उसके पास थर्टी वन डेज होंगे तो थर्टी वन उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे गॉट इट अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर दैट इज योर सेवन सम एंड सेवन सम में देखो उसने क्या बोला है कि मर्चेंट जो है वो सेवन एट फाइव नाइन टू विध हर मर्चेंट के पास इतना पैसा है शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेसिंग फोर्टी रेडियो सेट एट रुपये वन टू डबल जीरो ईच अब उसने चालीस रेडियो मंगवाने हैं एक रेडियो का प्राइस है बारह सौ यानी कि ट्वेल्व हंड्रेड प्राइस है कितनी मनी उसको चाहिए होगी अगर वो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज मान लो उसने फोर्टी रेडियोस खरीदे और एक रेडियो की कॉस्ट है ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है उसके पास बाकी में एंड में कितना पैसा बच जाएगा अगर वो इन्हीं रेडियो को सेवन एट फाइव नाइन टू रुपीज़ में से खरीदती है तो ठीक है तो so, देखो इसमें क्या करना है आपने बहुत ईजी सा समय ध्यान से देखो एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है बारह सौ ठीक है अब अगर आपको वैसे ही चालीस रेडियो चाहिए तो आप नॉर्मल क्या करोगे चालीस को बारह सौ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्टी को आपने ट्वेल्व हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास आया फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है इतना क्लियर हुआ अब टोटल मर्चेंट के पास मनी थी सेवन एट फाइव नाइन टू ओके उसने कितने पैसे खर्च कर दिए फोर्टी एट थाउजेंड अब उसके पास बचेंगे कितने क्या कर दोगे माइनस ही तो करोगे ठीक है तो आपके पास आंसर आ गया थ्री जीरो फाइव नाइन टू ईजी है तो कमेंट सेक्शन में को बताते जाओ अगर कोई डाउट है तो वो भी साथ में पूछते जाना कमेंट सेक्शन में एट्थ वाला देखो अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड सेवन टू थ्री सिक्स बाई सिक्सटी फाइव इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाई फिफ्टी सिक्स अब एक बच्चा था आपके जैसा ठीक है उसने सेवन टू थ्री सिक्स को मल्टीप्लाई करना था सिक्सटी फाइव के साथ ओके येस यू नो आ स्टूडेंट इज मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी फाइव इंस्टेट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई फिफ्टी सिक्स इसको ध्यान से समझना बच्चे ने सेवन थ्री टू सेवन टू थ्री सिक्स को फिफ्टी सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था बट बाई मिस्टेक उसने सिक्सटी फाइव के साथ कर लिया अब आप मेरे को बताओ कि जो उसका आंसर आएगा कितना ग्रेटर आएगा तो इसमें से आप क्या करोगे देखो सबसे पहले आप दो चीज़ें निकालोगे पहले रॉन्ग आंसर जो बच्चे ने निकाला फिर आपका करेक्ट आंसर फिर दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे माइनस क्यों करेंगे बिकॉज हमने यही तो देखना है कि उसके आंसर में कितना डिफरेंस आया है अब देखो रॉन्ग आंसर में उसने क्या कर लिया सेवन टू थ्री सिक्स को सिक्सटी फाइव के साथ उसने मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आया फोर सेवन जीरो थ्री फोर जीरो अब करेक्ट क्या आना चाहिए था सेवन टू थ्री सिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए था फिफ्टी सिक्स के साथ तो उसने जब उसके साथ किया तो उसका आया फोर जीरो फाइव टू वन सिक्स अब दोनों को माइनस कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है अब हम करते हैं नाइन्थ सम उसने बोला टू स्टिच अ शर्ट टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड शर्ट को स्टिच करने के लिए ना दो मीटर शर्ट दो मीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर आपको क्लोथ चाहिए आउट ऑफ फोर्टी मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच अब मान लो मेरे पास फोर्टी मीटर का कपड़ा है तो मैं कितनी ज़्यादा शर्ट उसे बना सकती हूँ और कितना क्लोथ मेरे पास रह जाएगा वापस ध्यान से समझना अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ चलती है आपकी कि अगर मीटर है तो उसको अगर सारा ही यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर में रहने दो अगर सारा ही सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहने दो अगर कहीं सेंटीमीटर में बेचारा मीटर वाला आ चुका है तो उसको चेंज करना बनता है ठीक है ना अब आपके पास है टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर अब मीटर को बेटा मैं किस में कन्वर्ट करूंगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यस हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं सो आपने टू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हंड्रेड के साथ क्यों किया मैंने क्योंकि मेरे पास टू मीटर था टू मीटर को मैंने किस में कन्वर्ट करना था टू टू मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था सो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है सो टू so, को आपने मल्टीप्लाई किया हंड्रेड सेंटीमीटर के साथ अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे दिया गया होता है ना टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर तो उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ठीक है बट मल्टीप्लाई नहीं होना वहाँ पर जो आपको दूसरा नंबर दिया होता है ना जैसे यहाँ पे फिफ्टीन दिया है तो उसको आप ऐड करोगे उसके साथ ठीक है, सो टू को आपने हंड्रेड के साथ किया हंड्रेड के साथ इसीलिए किया क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होती है हमने इसको कन्वर्ट ही करना था प्लस आपने इसके साथ कर दिया फिफ्टीन यू विल गेट टू वन फाइव सेंटीमीटर अब जो क्लोथ की लेंथ है वो आपके पास कितनी है फोर्टी मीटर अगेन उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं येस हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं सो फोर्टी को हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया फोर थाउजेंड सेंटीमीटर अब जितनी नंबर ऑफ शर्ट्स आप बना सकते हो वो कितनी होगी अगर क्लोथ की लेंथ आपके पास है फोर थाउजेंड एंड आपके पास क्लोथ जो है आपको एक शर्ट के लिए चाहिए वो टू वन फाइव है दोनों को आपने क्या कर दिया एड ऑन कर दिया ठीक है अब एड ऑन करेंगे इसको कि डिवाइड करेंगे येस yes, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे हम दोनों को आपस आप में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तभी तो हमारा निकलेगा ना एंड पे तो जब भी ऐसा है ना कि इतने में से हमने इतना निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा उस केस में हम डिवाइड करते हो तो आपने क्या किया फोर थाउजेंड अंदर रखा है टू वन फाइव बाहर रखा है दोनों को आपने डिवाइड कर दिया एंड पे आपके पास बचा एटीन यानी कि आप एटीन शर्ट को जो है वो स्टिच कर सकते हो अगर आपके पास इतना कपड़ा है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अगर कोई भी डाउट है तो जरा वीडियो को आप फिर से पीछे करके अच्छे से सुन लेना ठीक है टेंथ वाला सम मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप खुद करोगे इलेवंथ सम पे हम आते हैं ज़रा इलेवंथ में उसने आपको बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ द स्कूल हाउस इज स्टूडेंट्स हाउस इज वन किलोमीटर एट सेवेंटी फाइव मीटर अब यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो डिस्टेंस आपको पता है बच्चे के स्कूल का उसके घर से कितना है वन किलोमीटर एट सेवेंटी फाइव मीटर है एवरी डे ठीक है वो वॉक करता है बोथ वेस्ट के साथ फाइन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन सिक्स डेज अब छः दिनों में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको बताना है सो so, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है इलेवंथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम कितना है वन एट सेवन फाइव किलोमीटर है ठीक है इतना आपको दे रखा है उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड स्कूल वो भी इतना ही है अब देखो ना स्कूल से आप घर जा रहे हो घर से आप स्कूल आ रहे हो आप डेली एक ही रास्ता फॉलो अप कर रहे हो तो फिर सी बात है डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना दोनों को आपने ऐड कर दिया आपके पास बचा थ्री सेवन फाइव जीरो ठीक है अब आपने छः दिनों का निकाला तो छः के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो मान लो मैंने दस दिनों का निकालना था तो मैं दस दिनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आया टू टू फाइव डबल जीरो इस रिक्वायर्ड आंसर आई होप आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी चैप्टर नंबर टू की एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है वो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ थैंक यू सो मच